रेवाड़ी में बीजेपी उपाध्यक्ष ने पौधारोपण कर मनाई ससुर की पुण्यतिथि। देश व प्रदेश की सरकारों ने जब से पर्यावरण बचाने की मुहिम शुरू की है तभी से लोगों में भारी जागरूकता आई है और मानसून का सीजन शुरू होते ही स्कूलों से लेकर अन्य सार्वजनिक स्थानों तक हर कोई पौधारोपण अभियान में जुट रहा है। इसी के चलते बीजेपी महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष पारिसा शर्मा ने आज अपने ससुर रमेश चंद्र शर्मा की पुण्यतिथि पर घड़ी बोलनी रोड स्थित अपने फार्म हाउस पर भारी संख्या में पौधारोपण किया। इस कार्यक्रम में बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के अलावा सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की और पौधारोपण किया। मैं पारिशा शर्मा, जिला उपाध्यक्ष भाजपा, एंड आज मेरे ससुर जी की, स्वर्गीय ससुर जी श्री रमेश चंद शर्मा जी की पुण्यतिथि है, जिसके अवसर पे हमने 100 पौधे लगाने की बीड़ा उठाया और वो बहुत ही अच्छे आदमी थे। पर्यावरण के लिए हम ये सोचेंगे कि जैसे कि हमारे पास पड़ोस में जितने पौधे लगे, हमारे जन्मदिन हो, हमारी शादी की सालगिरह हो, हम 5-5 पौधे अगर हर सदस्य हम लगाएं तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है पर्यावरण को लेकर। और पर्यावरण इतना आजकल दूषित हो रहा है हमारा, तो बच्चों को सांस लेने में, बड़ों को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, जिससे हम दवाइयाँ खा रहे हैं और उससे बहुत ज़्यादा कि पौधे काटे जा रहे हैं, पेड़ पौधे इतने नष्ट किए जा रहे हैं, जिससे हमारा जो कि ग्लोबल हमारी वार्मिंग है बहुत ज़्यादा नष्ट हो रही है। और हम उस माहौल में पल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हम दूषित हवा के पे, हम अगर हर सदस्य को हम ये राय देंगे कि जो भारत का मेंबर है हर 5 पौधे लगाए, हर घर में 5 पौधे लगाए। स्कूलों में आजकल बच्चों को शिक्षा दी जा रही है कि अपने घर में जाओ पौधे लगाए, और आज मैं 100 पौधे लगा रहे हैं और जो हमारे अतिथिगण आए हैं, जो भी हमारे मेंबर हैं, हम सबको एक एक पौधे देकर उन्हें ये सुझाव देंगे कि वो अपने घर में जाकर पौधे लगाइए, उनके बच्चों की तरह सेवा करें, जिससे ये हमारा पर्यावरण दूषित रहित होता है। नहीं, पहले भी हमने, मतलब मेरे ससुर जी की याद में धर्मशाला बनवाई है तो उनमें हमने पूरे पौधे लगाए थे, 50 पौधे वहाँ भी हमने लगवा रखे हैं। आगे भी हमारा इससे सालगिरह मनाते हैं, उसी तरह हम ये पुण्यतिथि हम हर बार मनाएंगे।